इसके लिए भी उनको जागरूक किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक महामारी में लोग जहां घरों में रहकर सुरक्षित रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न सड़कों पर खुलेआम आवारा व छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में जहां आवारा पशु गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं आवश्यक कार्यों से निकले लोगों के लिए मुसीबत भी बन रहे हैं। इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने बताया, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि जो छुट्टा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई में वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है, उसको हम लोगों ने संज्ञान लिया है, बहुत ही गंभीरता पर उसको लिया है। और जो इस छुट्टा पशुओं को पकड़ने में जो टीम लगी हुई है उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि कोशिश करें कि वो जितने भी इस प्रकार के छुट्टा पशुएँ हैं, अन्ना पशु हैं, उनको ले जाकर पकड़ें और ले जाकर हमारा जो कान्हा उपवन है उसमें इनको दाखिल करें, उसमें इनको वहाँ पर रखें, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करें। साथ ही साथ में अपने क्षेत्र के जो पशुपालक हैं, जो पशु मालिक हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो गाय को दूध लेने के बाद उसको सड़कों पर न छोड़ें और उसको अपने पास ही अपने बाड़े में रखें, उसका ख्याल रखें। क्योंकि हम लोग की जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, गाय हमारी माता है, तो जब हम अपनी माता को, गाय को माता मानते हैं, तो उसको ऐसे सड़कों में घूमने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो हमारे दुधारू जानवर हैं उनको सड़कों पर ना घूमने के लिए छोड़ें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब ये सड़कों में घूमते हैं तो कई बार पॉलिथीन या अन्य ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं क्योंकि आगे चलकर उनको बहुत ही दिक्कत देती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए मैं इन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई काम ना करें। और जो हमारी पूरी टीम है उसको भी मैंने सक्रिय कर रखा है, आने वाले समय में आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा।